हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यूथ ट्वेंटी फाइव इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई अब बच्चे वर्ल्ड है ये हमारा मूव कर रहा है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ अगर आप यूपीएससी के प्री का पेपर भी देखेंगे बिकॉज उसमें फॉरेस्ट का, का एग्जाम भी साथ में ही होता है प्लस वैसे भी इन्वायरमेंट का जो पोर्शन रहता है वो किसी भी यूपीएससी एग्जाम में या किसी भी अच्छे लेवल के एग्जाम के अंदर आपको एनवायरमेंट का पोर्शन खासकर देखने को मिलेगा वी आर वर्किंग टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी राइट उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा आज का टॉपिक है एक इनॉग्रेशन हुई ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ठीक है उसके बारे में चर्चा करते हैं प्लस हम हम साथ में ये भी देखेंगे कि सोलर पावर अगर हम सोलर पावर अगर एनर्जी की बात करें तो वो बेसिकली तीन टाइप्स के साथ में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं हमारे रेगुलर डे टू -डे, -डे, डे सिस्टम्स के अंदर वो तीन टाइप्स कौन से हैं वो भी समझेंगे तीन टाइप्स का एक्चुअली मतलब क्या है क्यों हम उसको यूज कर रहे हैं हम ट्राई करेंगे कि हम उसको भी समझें आइए बच्चे शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपको ये थोड़ा सा कंट्री भी याद रखनी है बच्चे कि कहाँ पे हुआ है ये दैट इज यूपी से थोड़ा कम पूछता है एग्जैक्टली exactly कि कहाँ है राइट right? हालांकि आपको अगर आप जैसे ए का एग्जाम देते हैं का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेयर वाले है ना स्टेट फॉरवर्ड या फिर अगर आप मान लो हिमाचल का एग्जाम दे रहे हो या पंजाब का एग्जाम दे रहे हो पंजाब के थोड़े चांसेस कम है हरियाणा में पूछने के चांसेस ज्यादा है है ना तो वो पूछ सकते हैं आपसे इस टाइप की चीज़ कि ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है ये कहाँ इंस्टॉल हुआ है रिसेंटली कहाँ इनाग्रेट हुआ है तो थोड़ा आपको कंट्री याद रखनी है प्लस आपको ये याद रखना है कि कहाँ हुआ है इट इज़ इन अल दाफरा जो वहाँ पे जगह है अल दाफरा के अंदर ये हुआ है The United Arab Emirates has inaugurated the world's largest single-site solar power plant. ठीक है जी

तो वो उसके ऊपर आप जरूर सर्च कीजिए प्लस आप ये भी देख रहे फोटो वोल्टिक इफेक्ट जो है ये किसने जो है सबसे पहले इसकी खोज की थी फाउंडेड फाउंड वोल्टिक इफेक्ट नाम की कोई चीज होती है, है ना और उसके लिए अवार्ड भी मिला था है ना एक बार ये आप जरूर उसको देखिएगा अवार्ड कौन सा ये सब मेरे को कमेंट में बताइए अगर मिल जाए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या समझे उससे आइए बच्चे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल सेट सोलर पावर प्लांट है ये है ना और जस्ट अहेड ऑफ द अपकमिंग सीओपी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस

द प्लांट इज एक्सपेक्ट टू डिप्लेस 2.4 पॉइंट फोर मिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशन एनअली अगेन जब भी आप ऐसा कोई रिन्यूबल एनर्जी पर काम करते हो तो आपको इस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है इसीलिए हम कर रहे हैं बाईड राइट डेवलप किसने की ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिस पर आपके ट्रिविया के लिए मैं बता देता हूँ कि आबु धाबी नेशनल फ्यूचर एनर्जी कंपनी एंड इट्स पार्टनर आबुधाबी नेशनल एनर्जी कंपनी ईडीएफ रीन्यूवल है तो ये, ये कुछ कंपनीज है ये देखो चांसेस कम है इसके कोई पूछे एचपी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले शायद इसको टच करने, शायद। उनकी थोड़ी है पूछने की जरूरत नहीं है अगर हिमाचल में भी आता छोड़ देना मतलब ये करने वाला नहीं है अभी देख देख के याद हो रहा है तो कर लो नहीं तो रहने दो द प्रोजेक्ट फीचर मिलियन बायोफेशियल सोलर पैनल ठीक है जी आगे चलते हैं बच्चे इससे पहले जो इससे पिछला जो लार्जेस्ट प्लांट था जो अभी तो नए नए इनट हुआ भी आपका नूर प्रोजेक्ट था बिगन ऑपरेशन इन अप्रैल 2019 कहने का मतलब यूएई आपका रिन्यूएबल एनर्जी खासकर सोलर एनर्जी के अंदर जो अच्छा काम जो है वो कर रहा है राइट फ्यूचर में हो सकता है आपको इंडिया और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपस में देखने को मिल जाए आने वाले टाइम में इंडिया यूएई के वैसे रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं और हमने अभी वो यूपीआई को भी उनके उससे

उसके अंदर ये चीज यूज हो जाती है मतलब इसके अंदर बैटरी यूज होती है नेक्स्ट वी हैव ऑन ग्रिड सिस्टम दिस इज द मोस्ट कॉमन सोलर पीवी सिस्टम व्हिच इज मोस्टली यूज्ड इन रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइट्स है ना ये रेगुलर ग्रिड से पावर ले रही होती है अगर दिन में आपकी एनर्जी एक्सेस आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो ग्रिड में वापस भेज देगी या वो डिपेंड करता है नेट मीटरिंग है या नहीं और या तो वो अपने आप से जो है वो यूटिलाइज कर लेगी इसके अंदर जो है आपका बैटरी सिस्टम नहीं है इट डज नॉट हैव अ बैटरी

it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.